क्योंकि कहीं ना कहीं अ सर्टन जेनरेशन ऑफ पीपल आर लॉस्ट एंड दे नीड टू फाइंड देमसेल्व्स एंड दैट वर्ड एक कुड़ी एक्चुअली सिंबलाइजेज द इंटायर जेनरेशन जिन लोगों के बारे में हम बात कर रहे हैं जिनको एडिक्शन का प्रॉब्लम है और जिन्हें समझ में नहीं आ रहा है हाउ टू फाइट इट. सो द म्यूजिक एंड द लिरिक्स आर वेरी सिम्बॉलिक एंड वेरी ट्रू टू द फिल्म. बट बहुत ज़रूरी था कि म्यूजिक पॉपुलर हो तो चिट्टावे एंड उड़ता पंजाब जो दो टाइटल ट्रैक्स हैं दे आर रियली अग्रेसिवली आई वुड से द काइंड ऑफ सॉन्ग्स दैट यू कैन प्ले इन अ नाइट क्लब द काइंड ऑफ सॉन्ग्स दैट वुड अपील टू द यूथ. चिट्टावे इज ऑलरेडी आउट एंड इट्स ऑलरेडी नंबर वन ऑन रेडियो मिर्ची. इसीलिए प्रेस कॉन्फ्रेंस लंच के बाद होनी चाहिए. बट या एंड उड़ता पंजाब इज जस्ट कम आउट. वी आर लॉन्चिंग इट टुडे. इट्स नॉट इन द फिल्म. इट्स अ म्यूजिक वीडियो दैट वी हैव शॉट. एक कुड़ी वॉज अ सॉन्ग विच आलिया शॉट जिसमें वो भी म्यूजिक वीडियो था जिसमें वो हॉकी खेल रही है बिकॉज दैट्स द बैकग्राउंड ऑफ हर कैरेक्टर. शी इज समबडी हू वांटेड टू प्ले हॉकी बट अब वो फिलहाल फार्म्स में काम करती हैं. मैंने ज्यादा बोल दिया. अब आप कुछ और सवाल. एक सवाल और कि अभी एक कंट्रोवर्सी चल रही है कि फिल्म में अब्यूजिव लैंग्वेज और ड्रग्स को लेकर जो सब्जेक्ट है सेंसर बोर्ड में प्रॉब्लम आ रही है और आप लोग हायर अथॉरिटी की कमेटी के पास गए हैं तो आप दोनों की क्या राय है. शायद आपकी मॉम ने एक ब्लॉग भी लिखा था इस बारे में कि उस फिल्म इज इट एनीवेज तो क्या कहना चाहेंगे आप लोग. See, right now I think we're just waiting and watching. ज़्यादा कुछ कहने को नहीं है. We're hoping के eventually everybody else is happy and everyone is happy. But I think details confirm करना at this stage के क्या cuts क्या this thing is not right because we don't have an idea. Right? Genuinely clarity नहीं है इस मामले में and I'm sure कुछ ही दिनों में आ जाएगी. As of now we're just doing our job to come out here and not even कह रहे कि we're not even here to like say वो promote करेंगे कि it's for that commercial purposes. It's genuinely we want to put this message out कि ये एक ऐसी type की film है which is, it's a story that needs to be told. So just go and if you have any intrigue and interest in the trailer, you should watch the story. Guys, आप क्या कहना चाहेंगे? Okay, guys, last question. Sorry. Will this issue will delay the film? As we just said, we don't have any details about it. अभी तो पब्लिसिटी शुरू की है हम लोग. अभी तो पिक्चर शुरू हुई है. अभी तो पार्टी खबरें तो आप लिखते हो. खबरें आती है जगह बचती है तो लिख देते हो. अच्छा ये मेरे को एक बात बताओ ये कैसे डिसाइड होता है. कोई दो लोग ऑकवर्ड है क्या क्या ऐसे देख रहे थे हम एक दूसरे को. हाँ बताओ तुम थे वहाँ पे. हाँ तो क्या ऑकवर्ड लगा. फोटो खिंचवाते टाइम आप खड़े हो बट बीच में गैप. जवाब दूं बिकॉज अगर मैं और करीना साथ में फोटो लेते तो लोग सिर्फ उसके बारे में ही लिखते रहते और उसके बारे में बातें करते रहते. हम वहाँ पे एज अ टीम ऑफ फोर टू प्रमोट उड़ता पंजाब आए थे और मैं चाहता था कि उसका करेक्ट रिप्रेजेंटेशन हो. इसके लिए हम लोगों ने वी मेड श्योर दैट वी आर स्टैंडिंग इन अ वे दैट द प्रेस विल नॉट क्लिक फोटोग्राफ्स दैट दे वांट टू क्लिक व्हिच आर कॉन्ट्रोवर्शियल एंड पुट आउट समथिंग रॉन्ग आउट देयर एंड वी वांटेड टू बी करेक्ट अबाउट द रिप्रेजेंटेशन ऑफ द फिल्म. Do you feel that elections are around the corner in Punjab and the film is all about Punjab it's the film, you know, I have been saying this over and over again. When we made Heather, the backdrop was Kashmir, but the issue was a human issue. Yeah. Udta Punjab, you know, just because the title is Udta Punjab, everybody is only thinking it's a problem in Punjab. First of all, Punjab is a state which lies within this country, and therefore a problem in any part of India should be a problem for the entire country. Having said that, this problem is a problem for the entire generation. You know, if we felt ki sirf Punjab ka problem hai, to Punjabi film banti uske upar. Usko Hindi film kyun banaya gaya? Kyunki everybody who makes that film, made that film, believes that ye issue jo hai, ye ek genuine issue hai. Yani aane wali generations ke liye, this is going to be something that they should be aware of. Because substance is considered very cool nowadays. Ek time hota tha 10-12 saal pehle, that if you were somebody who used to do something, at a party, people used to tell you, yaar, you go and do this outside, don't do this here. Aajkal aisa waqt aa gaya ki if you don't do something, people say, dude, we are very uncomfortable, you please go somewhere. So it's become very easily accessible and the youth thinks it's really cool to do it. And this film is trying to spread awareness about an issue which is an issue for the entire generation. Please, I would request all of you not to club it and say, ye Punjab ka issue, ye Punjab ka issue, because you're limiting the film. Exactly. You have to show it in the right context. It's your duty to do that. Because of the elections which are coming and Punjab is being portrayed. You're still trying to find an answer to a controversial question. Understand the larger point. We have to please. Move.
Yeah, it has nothing to do with that. Thank you for coming. We didn't know when the elections are and when this one's gonna be. It's just a coincidence. बस हो गया कोई अच्छे सवाल है मैडम जब कंट्रोवर्सी नहीं भी होती तो भी यही जो चीजें होती है या फिल्म हिट होती है या पिट जाती है ये बैन आपने डिसाइड किया है जब तक डिसीजन नहीं आता डिसीजन तो आने दो Thank you.